Hi, so this case starts with the hunt of a missing lady, which later turns into a horrifying case of cannibalism. Yes, you heard me right, cannibalism. I'm pretty sure you have seen this case in your newspaper or your TV. But I found this case really interesting and I wanted to cover this. So, why not just cover this right now? So, without any further ado, let's get into the case of the Nurbuli Khan. सो इट ऑल स्टार्ट विथ पुलिस पदम हु यूज टू डू ऑल सोट्स ऑफ आट जॉब टू सर्वाइव और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी उनकी एक बेटी थी और वो यूपी में स्कूल की टीचर थी जिस वजह से वो दोनों मिल भी नहीं पाते थे ज़्यादातर और वो उन्हें कॉल कर लिया करती थी रेगुलर बेसिस पर टू चेक ऑन हर छब्बीस सेप्टंबर को पद्मम अचानक से गायब हो गई और तीन दिन तक जब उनकी बेटी को उनका कॉल नहीं आया तो वो परेशान हो गई कि कहाँ है वो और उन्होंने केरला पुलिस को फोन करा मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए बट सार्डली पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया पर उनकी बेटी खुद केरला आई जब देखा गया कि उनकी माँ के बारे में कोई न्यूज नहीं आ रही है और अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करी उनके गांव में बट अकॉर्डिंग टू हर नेबर्स पदमा वन शी वॉज गोइंग फॉर हर वर्क विच इज नॉट ऑफ दर्डिनरी बट वन डायउटर बट थैंकफुलिसम जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड चेक की पद्म की तो उनको पता चला कि लास्ट कॉल एक रेस्टोरेंट के ओनर को गई थी जिसका नाम था शफी रशीद वो उस रेस्टोरेंट का ओनर था जहां पदम खाना खाने जाती थी एंड गुड फ्रेंड्स एल्स बट इट वेरी वियर्ड कि पदम का लास्ट कॉल शफी को करेगी गायब होने से पहले तो जब पुलिस पूछताछ करने के लिए शफी के पास गई तो पुलिस को देखकर शफी पहले ही भागने लगा मेड पुलिस मोर वेरी ऑफ एम एंड इट मेड इट वेरी क्लियर दैट देर वॉज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन एर पुलिस ने शवि को पकड़ा एंड कड़ी इंटोकेशन के बाद शवी ने अपना मुंह खोला और फाइनली बोला कि हाँ वो जानता है पद्मा को और वो आती थी उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने बट ही ईल्सो टूक्यू नेम विच इज रोजी जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि रोजी भी तीन महीने से गायब है ऑलो देर इज नो मिसिंग रिपोर्ट फॉर हर एंड हर नेबर कि वो किसी और स्टेट में जा चुकी है काम की तलाश में पद्मा की तरह रोजी भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी और वो भी और जॉब्स करती थी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए और वो भी शफी के रेस्टोरेंट में रेगुलर कस्टमर थी और शफी की दोस्त थी इलंथूर विलेज वेर शफी पदम एंड रोजली यूज टू लिव देर यूज टू लिव अ डॉक्टर कपल भगवाल सिंह एंड लाला सिंह दे वर वेरी पॉपुलर इन द एरिया एंड ऑन द इंटरनेट इवन द हर्ड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज टू हैंडल बाय भगवत सिंह हिमसेल्फ वहाँ पर भगवत की बात श्रीदेवी नाम की एक औरत से हुई हाँ आपने सही सुना श्रीदेवी नाम की औरत से हुई थी जहाँ से श्रीदेवी को पता चला कि भगवल सिंह और उनकी पत्नी की इकोनॉमिक स्टेट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि कोविड के कारण उनका बिजनेस जो है बहुत अच्छा चल नहीं रहा था तो श्रीदेवी ने उन्हें मिलने को बुलाया और जब वो उनसे मिलने गए तो एज एक्सपेक्टेड इट वॉज अ कैट एंड ए टर्न आउट की श्रीदेवी वॉज नाना दान साफी रशीद साफी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो पहले भी ऐसे बहुत लोगों की आर्थिक प्रॉब्लम से बाहर निकाल चुका है एंड उनकी मदद कर चुका है एंड इट वट भी हार्ड फॉर हिम टू डू इट अगैन फॉर द कपल टू Jesus had to follow him and do everything that he said. And the doctor couple, they were both highly educated doctors, they agreed to this. Yes, black magic. जिसके लिए दोनों डॉक्टर्स ने अग्री भी कर लिया था। ही कि आपके आसपास totally वो औरत होगी कौन क्योंकि भगवत सिंह तो किसी ऐसे को नहीं जानता था और ना ही वो किसी का मर्डर करना चाहता था तो सभी ने पैसे लिए और बोला कि आप बस तैयारी करो बाकी वो खुद देख लेगा ने फिर रोजली को लेके उनके घर आया और उसने रोजली को कहा था कि वो एक अडल फिल्म शूट करने वाले हैं जिसके लिए रोजली को वो दस लाख देगा जिसके लालच में रोजली उसके साथ आ गई थी घर आते ही लैला ने रोजली को बांध दिया उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसकी आंखें भी बंद कर दी फिर कुछ चार्टिंग के बाद भगवत सिंह ने पहले चाकू से संभारा फिर उसके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुँचाया और फिर उसकी बॉडी को तीनों ने बैक में गाड़ दिया उनको लगा अब तो पैसे पाएंगे बट ऐसा कुछ नहीं हुआ

पहले तो पुलिस को भी नहीं लगा कि सच में एक एजुकेटेड कपल ऐसा कर सकती है पर जब पुलिस ने इंटोरोगेट किया कपल को तो एक्सेप्टेड ऑल द क्राइम एक्सेट की कि उन्होंने ही किया है, उनको अरेस्ट किया गया जब शफी का बैकग्राउंड चेक हुआ तो पता चला चार्ज विद रेप ऑफ 75 ईयर ओल्ड इन द पास So, this is how one missing lady case turned into a dual murder and cannibalism case. As unreal as may sound, it has all happened, and that too very recently, which is very hard to believe, but yes, it happened. Anyways, hope you all liked the video. If you did, then subscribe to the channel, drop a like, share it with your friends. Thanks for watching, and stay tuned for more. Bye.